केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन न सिर्फ लोगों को पानी मुहैया करवा रहा है बल्कि इस महत्वाकांक्षी योजना ने ऐसे सूखे क्षेत्रों में भी पानी की फुहारें फुटा दी हैं जहां के लोग कभी पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते थे। मंडी जिला का धर्मपुर क्षेत्र कभी पानी की इतनी ज्यादा कमी से जूझता था कि यहाँ के लोग पानी के प्राकृतिक जल स्रोतों को ताले लगा कर रखते थे। यहाँ के लोग बारिश के पानी नदी नालों खड्डों हैंडपंप खातरी और बावड़ियों सहित अन्य प्रकार के स्रोतों पर निर्भर थे। इसके सिवाय इनके पास पानी का और कोई साधन उपलब्ध नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना इस क्षेत्र के लिए वरदान बनकर सामने आई। पहले जो है पानी बहुत दिनों के बाद अभी आता था, कभी कभी जो है हमें दूर दूर से बाएँ और कुओं से पानी लाना पड़ता था और हैंडपम्प से गेड़ गेड़ के जो था पानी लाना पड़ता था। फिर अब जो है इतनी समस्या नहीं रही है पानी की, क्योंकि सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जो है बहुत कार्य अच्छा कार्य किया है, जिसके लिए हम सरकार के आभारी हैं, जिसने जो है ये कार्य जो है बहुत अच्छा शुरू किया है। इससे जो हर घर में नल जो है, नल से जल जो है घर में पहुंच रहा है, रसोई में भी पानी जो है लोगों के पहुंचाया हुआ है सरकार ने। सर देखिए, पहले तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठाई हैं लोगों ने यहाँ पे, और ये काफ़ी ड्राई एरिया है, यहाँ पे पानी की इतनी सुविधा नहीं है। जो नेचुरल सोर्स है वो यहाँ पे नहीं थे, मतलब बहुत दूर जाके हैं, तो हमें काफ़ी दिक्कतें आती थी मतलब पानी की पहले। और जब से ये जल जीवन मिशन शुरू किया है सरकार ने, लोगों को बहुत सुविधाएं हुई हैं, मतलब 2400 घंटे आप पानी ले सकते हैं कभी भी एट ए टाइम। पहले बहुत होती थी जी, तीसरे दिन आता था पानी और फिर स्टोरेज करना पड़ती थी, जैसे ये टैंकी बना रखी है हमने, तो अब हमें इतनी समस्या नहीं है, डेली आता है पानी, तो कोई समस्या नहीं है। वैसे पीने का अच्छा आ रहा है पानी, मतलब बढ़िया। जल शक्ति विभाग धर्मपुर वृत्त के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर अनिल कुमार ने बताया कि धर्मपुर वृत्त के तहत जल जीवन मिशन की 61 स्कीमों का संचालन किया जा रहा है, जिन पर 660 करोड़ की धनराशि खर्च की जा रही है। हमारा जो धर्मपुर का क्षेत्र है उसमें हमारी दो बड़ी स्कीमें हैं, एक तो मल्टी विलेज स्कीम टॉर खोला करके है, वो 109 करोड़ की है, और इसके अलावा कमला मंडप स्कीम है वो 147 करोड़ की है। दोनों स्कीमें हमारी पूर्णतः काम कर रही हैं और लोगों को पानी दे रही हैं, और बहुत सी पंचायतों में ये पानी प्रदान करने का काम अभी कर रही हैं। ये जो धर्मपुर क्षेत्र है ये चंगर क्षेत्र है, यहाँ पानी की बहुत कमी है, लोग ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में बसे हुए हैं, सिर्फ वो पानी की वजह से बहुत से लोग यहाँ से उठकर चले गए, कोई दिल्ली चला गया, देहरादून में यहाँ से बहुत से लोग चले गए, लेकिन अब जब पानी उपलब्ध हो रहा है तो लोग वो वापस आ रहे हैं। तो ये जल जीवन मिशन की बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो लोग पलायन करके चले गए थे वो अपने अपने घरों को अब लौट रहे हैं। और ये जो क्षेत्र है बिखरा हुआ क्षेत्र है, दूर दूर लोगों के घर हैं, बहुत पास उनके पानी का सोर्स नहीं है, तो ऐसे में जो जल जीवन ने बहुत ही अच्छा काम किया है उनको घर घर पे पानी देके, और लोगों की जिंदगी अब बहुत आसान हो गई है। कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन जैसी योजना को लाकर लोगों को जल भी दिया और घर पर जीवन जीने का मार्ग भी दिखाया है।